बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, जिसे हम बिना ओवन, बिना माइक्रोवेव, पतीले में बनाएंगे। बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनता है, आप लोग भी इसको ट्राई करना, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने की तरफ। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, यीस्ट 1/2 टेबल स्पून, चीनी 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, पानी हसबे ज़रूरत नीम गर्म पानी चाहिए, मक्खन 2 टेबल स्पून, होममेड मक्खन है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। अब हम तमाम अज्जा मैदे में डालेंगे। वन टेबल स्पून मक्खन डाल देंगे। पहले हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ध्यान रहे कि पानी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ठंडा हो, इतना हो कि आप अगर अपना हाथ डालें तो आपका हाथ इसको बर्दाश्त कर ले। थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है पानी, बहुत सख्त नहीं। हमने इसका आटा गूंदना, सॉफ्ट सी डो बनानी है। तमाम अज्जा को हमने मिक्स कर लिया है। ये देखें, अभी ये हाथों के साथ बहुत चिपक रहा है। अब हमने इसको कम से कम 5 मिनट के लिए गूंदना है कि ये हाथों के साथ चिपकना छोड़ दे। तमाम अज्जा अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये देखें, इस तरह से सॉफ्ट होनी चाहिए डो हमारी। लेकिन अभी हमने इसको कम से कम 5 मिनट गूंदना है। अभी ये देखें, हाथों के साथ बहुत चिपक रही है। इतना हमने इसको गूंदना है कि ये हाथों के साथ चिपकना छोड़ दे। अब हम जो 1 टेबल स्पून बटर हमने बचाया था वो इसके ऊपर डालेंगे और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए गूंदेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं गूंदते हुए, ये देखें, अब ये हाथों के साथ भी नहीं चिपक रहा। यहाँ पे एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी आपको, अगर बटर लगा के भी तो आपसे ये आटा हैंडल ना हो रहा हो तो आप जो है बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह करना है कि थोड़ा थोड़ा सा खुशक मैदा लगाते जाएँ और इसको गूंदते जाएँ, बहुत अच्छा आपका आटा गूंद जाएगा। अब हम इसको 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। गर्मियाँ हैं तो हम इसको बस इसी तरह से किचन में पड़ा रहने देंगे। ये 2 घंटे में बहुत अच्छा सा राइस हो जाएगा। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए चिकन, बोनलेस है, इसको मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया है। 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव। शिमला मिर्च है ग्रीन और येलो, आपके पास येलो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर दें। टमाटर है एक छोटे साइज का, इसको भी कट कर लें बीज निकाल के। एक छोटे साइज का प्याज ले लें, इसको भी छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लें। ऑलिव्स लिए हैं मैंने ब्लैक कलर के। पिज़्ज़ा सॉस है हसबे ज़रूरत, जो कि मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। हॉट चिली सॉस है 3 टेबल स्पून, मुजरीला और चेडर चीज़ है, और स्पाइसेस में हमारे पास काली मिर्च है बारीक पीसी हुई 1/2 टीस्पून, सुरह मिर्च है 1/2 कुटी 1/2 टीस्पून, ओरिगानो है 1/2 टीस्पून। 1/2 कुटी मिर्च और ओरिगानो जो है वो हम चिकन में ऐड नहीं करेंगे, वो हम ऊपर से डालेंगे जब पिज़्ज़ा हम बेक करने के लिए रखेंगे। नमक हसबे जायका, लाल मिर्च बारीक पिसी हुई 1 टीस्पून। एक फ्राई पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के रख दिया है और चूल्हा भी ऑन कर दिया है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डाल के हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन को फ्राई करते हुए, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे।
सुरह मिर्च का पाउडर, नमक और काली मिर्च। साथ ही हम चिली सॉस डाल देंगे। और इनको ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन को मैंने दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया है और यहाँ पे हम पतीला रखेंगे प्री हीट होने के लिए। इसके नीचे मैंने आंच तेज़ कर दी है और इसको हम प्री हीट कर लेंगे। जितनी देर में ये दोनों हो रहे हैं, हम चलते हैं अपनी पिज़्ज़ा डो की तरफ। 2 घंटे हो गए हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी हमारी पिज़्ज़ा डो राइज हो गई है। अब हम एक पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मीडियम साइज़ का हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ये ग्रीस हो गया, अब हम इसको साइड पे रखेंगे। साथ ही हम पिज़्ज़े की रोटी बेल लेंगे। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। शेप ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, जब हम इसको पिज़्ज़ा ट्रे में रखेंगे तो फिर हम इसको सेट कर लेंगे। अब साथ ही हम इसको पिज़्ज़ा ट्रे में रख देंगे और इसको इस तरह से फैला लेंगे। पिज़्ज़ा डो हमारी पैन में सेट हो गई है, अब हम इसमें फोक की मदद से सुराख कर लेंगे। ये करना मस्ट है, नहीं तो आपका पिज़्ज़ा फूल जाएगा। इस तरह करने से इसकी हवा निकल जाएगी। ये करके तो अब हम फिर इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम चिकन को चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त चिकन हमारा हो गया है। इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा करके फिर हमने इसको पिज़्ज़ा डो पे अप्लाई करना है, गरम गरम को हमने नहीं करना। 10 मिनट हो गए हैं हमें पिज़्ज़ा डो को रखे हुए। ये दोबारा से बहुत अच्छी राइज हो गई है। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। जितनी आप पसंद करते हों अपने मुताबिक लगा लें। अब हम इस पे चीज़ लगाएंगे, चेडर चीज़। अभी हम थोड़ी थोड़ी लगा रहे हैं, बाकी हम ऊपर टॉपिंग पे लगाएंगे। मोज़रेला चीज़, अब हम चिकन लगाएंगे। चिकन देख के ही लग रहा है ना कि बहुत ही कोई मज़ेदार सा स्पाइसी पिज़्ज़ा बनने लगा है।
चिकन लगा दिया है। अब हम वेजिटेबल्स अप्लाई करेंगे। शिमला मिर्च डाल लेंगे, बहुत ही कलरफुल सा बनेगा। टमाटर, प्याज, अब हम दोबारा से चीज़ डालेंगे। थोड़ी सी चीज़ डाल के अब हम ऑलिव्स लगाएंगे। लग रहा है ना बहुत मज़े का। ये सिर्फ लग ही नहीं रहा, जब आप बनाएंगे तो आप वाकई इसको बहुत इंजॉय करेंगे। सबसे इसकी मज़े की बात यह है कि हम इसको पतीले में बना रहे हैं, हर कोई इजीली बना सकता है। अब हम दोबारा से चीज़ लगा देंगे। अब हम ओरिगानो और लाल मिर्च अध कुटी जो थी वो ऊपर छिड़क देंगे। इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अगर बच्चे हैं तो आप सिर्फ ओरिगानो डाल लें, अध कुटी मिर्च जो है वो स्किप कर दें। पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें स्टैंड रखेंगे और पिज़्ज़ा रख देंगे बेक होने के लिए। बहुत एहतियात से आपने रखना है क्योंकि पतीला बहुत गर्म है। मीडियम टू हाई आंच है इसकी और 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। 15 मिनट हो गए हैं पिज़्ज़े को बेक होते हुए। अब हम देखेंगे, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही आला पिज़्ज़ा हमारा बेक हो गया है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास ओवन नहीं है तो हम क्या करें, देखें कितना इजी है पतीले में बनाना। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको निकाल लेंगे। लीजिए, हमारा पिज़्ज़ा तैयार होके आ गया है। हॉट एंड स्पाइसी पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मेरी रेसिपी को अगर फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन करें कि बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा। बहुत स्पाइसी और चटारेदार पिज़्ज़ा बनेगा। आप लोग इसको ट्राई करना, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें।